डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन विमुति सेंटर ऑफ एक्सलेंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जिससे आप लोग भली भूति वाकिफ हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस और रिलेवेंस को हम डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ लेवल एंड कंटूर वर्क फॉर अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट। दिस सीम्स टू बी वेरी इजी एंड सिंपल टॉपिक, बट इट्स रिलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और ये चीज़ों को मैं आपको ड्राॅइंग से और अलग रिलेवेंट कंटेंट से बताने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स बिगिन। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एनालाइज करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट वाई इट इज़ डन, नेक्स्ट हाउ इट इज़ डन, थर्ड वॉट इज़ द रिलेवेंस एंड द इम्पॉर्टेंस। एंड ये जो दो थर्ड पॉइंट है, रिलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस, वी विल ट्राई टू कोरिलेट इट विथ सम कंटेम्प्रेरी इशूज सच एज अर्बन फ्लडिंग एंड हेल्थ रिलेटेड इशूज। यदि हम बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वी आर कंसर्न विथ पॉइंट नंबर 1, 2 and 3 ओनली। यदि इस टॉपिक की रिलेवेंस को ऑन लार्ज स्केल हम समझें एट लेवल ऑफ सिटी, तो क्या क्या इसकी रिलेवेंस है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ वन इम्पॉर्टेंट ड्राॅइंग। फ्रेंड्स, ये मैं एक प्रोजेक्ट साइट की ड्राॅइंग आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे लेवल एंड कंटूर वर्क की गई है। इसके रिलेवेंस क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इस ड्राॅइंग्स पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरे साइट को इन्होंने एक ग्रिड पैटर्न में बांट रखा है और जगह जगह पे इन्होंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट पॉइंट, ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हेयर द बेंच मार्क। दिस इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर एक्चुअली। बेंच मार्क इज 216.549 मीटर विच हैज़ बिन मार्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट पे इसकी मार्किंग की कैसे गई है वो समझना है। ब्राउट हेयर बाय फ्लाई लेवल, एंड फ्लाई लेवल इज़ अ मेथड ऑफ सर्वेइंग, वो आपने अपने इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ा होगा। फ्रॉम द MSL 216.000 मीटर मार्क्ड ऑन अ ब्रिज ऑन मेन रोड। तो ये जो ब्रिज है, आप जानते होंगे, तो ब्रिज की कभी भी डेक स्लैब है वो डिज़ाइन की जाती है बेस्ड ऑन द प्रिसिपिटेशन डेटा, मतलब फ्लडिंग सिचुएशन को कंसीडर करके ब्रिज की डेक स्लैब को डिज़ाइन की जाती है, राइट। तो उसके ऊपर में जो लेवल मार्क किया गया है, उस डेक स्लैब का जो RL है, उस RL को ट्रांसफ़र किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर में। एंड ट्रस्ट मी, दिस बेंच मार्क विल बी द प्रिंसिपल रेफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू दैट ओनली। जितने भी प्रोजेक्ट पे कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, सारी चीज़ें इसके रेफरेंस में ली जाएगी। कंटूर इंटरवल इज मार्क्ड एज 0.25 मीटर एंड द ग्रिड इंटरवल इज 10 मीटर। लेट सपोज वी रेफर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से अलग अलग ग्रिड मार्क की गई है 10-10 मीटर की दूरी पे, और हर एक पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका RL लिखा हुआ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं टोटल स्टेशन को सेंटर किया जा रहा है। आफ्टर दिस, एज बी डिस्कस्ड इन द ड्राइंग, होल साइट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 मीटर बाय 10 मीटर ग्रिड्स, वेयर एट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स डिफरेंट RL टू बी मार्क्ड, और बेस्ड ऑन दैट वी विल ड्रॉ द कंटूर। प्रोजेक्ट सर्वेयर हु इज taking the readings at the intersection point and accordingly RL of different points shall be marked. See, these are the different RLs written at the grid. इस प्रोजेक्ट के ऊपर में इस तरह से RL पूरे मार्क किए हुए हैं पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर में, यू कैन सी दैट। एंड बेस्ड ऑन दैट दिस RL, दीज कंटूर लाइन्स आर ड्रॉन। बाई नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंटूर्स वी कम टू नो हेयर मोर और लेस दिस इज अ फ्लैट टेरिन। So now, first point we shall take up, why it is done, just to know the profile of the terrain. By knowing the terrain, we come to know what would be the quantity of your earthwork. We have discussed earlier that we required the excavation permission from the authority, the approval copy for excavation work for foundation of your project. So in this approval, you can see that we have to declare how much quantity of earthwork we are going to execute on our project. This also clearly states that how much quantity has already been excavated and how much quantity to be excavated. एक बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाने के लिए
प्रोजेक्ट के ऊपर में कितना मुझे एक्सकेवेशन करना होगा, दैट वी कम टू नो। देन हाउ इट इज़ डन बाई फ्लाई लेवल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। दिस इज द मेथड ऑफ सर्वेइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस। वंस योर बेंच मार्क इज फिक्सड ऑन योर साइट, दिस बिकम योर परमानेंट रेफरेंस पॉइंट फॉर योर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और बेसिकली बेंच मार्क क्या होता है, एक लेबल है, एंड लेबल इज वॉट सर्वेइंग हमने पढ़ा होगा, दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ रिलेटिव एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट हुज आर एल इज नोन टू अस। जैसा कि हमने ड्राॅइंग में देखा कि जो ब्रिज है उसकी डेक की हमें आर एल पता है, उसके रेफरेंस में हमने बेंच मार्क मार्क किया। अब इस बेंच मार्क के रेफरेंस में डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के हम एलिवेशन मार्क करेंगे। सो दिस बेंच मार्क बिकम योर रेफरेंस पॉइंट, और इसी के रेफरेंस में सारी एक्टिविटीज़ होगी आपकी प्रोजेक्ट साइट के ऊपर में। फॉर एग्जाम्पल, एक टावर के लिए एक्सकवेशन करना है, ये आपका एक्सकवेशन लेवल है, जो आपका बेंच मार्क है दैट इज़ 216.549 मीटर, एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज ए प्लस माइनस 0.0 लेवल। मान लीजिए एनजीएल का लेवल -450 है, ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर, तो इसके रेफरेंस में मुझे एक्सकेवेशन ये हाइट निकल सकती है। सपोज दिस इज़ अ फाउंडेशन प्लान ऑफ ए बिल्डिंग, दिस इज़ ए सेक्शन, वन सेक्शन कट ओवर हेयर एंड दिस इज़ वन सेक्शन कट ओवर हेयर। अब इन दोनों के सेक्शन में दिखाता हूँ कि किस तरह एक्सकेवेशन के लिए ये यूज़फुल होगा। सी हेयर एक्सकेवेशन लेवल इज मार्क दिस, तो दिस इज़ ऑलवेज विथ रेफरेंस टू योर बेंच मार्क ऑन योर प्रोजेक्ट वर्क। दिस इज योर सेक्शन 1-1, सेक्शन 2-2 उसको हम रीड करें तो यहाँ पे भी देखिए एक्सकेवेशन का लेवल मार्क किया गया है। सपोज दिस इज योर एनजीएल, तो थ्रू एक्सकेवेशन आई हैव टू रीच दिस मच हाइट, तो इतना एक्सकेवेशन करनी है ये पता चलता है। सी आई एम शोइंग वन प्लान ऑफ द बेसमेंट ऑफ ए बिल्डिंग, अगेन हेयर लेवल इज मार्क्ड, तो वही जो बेंच मार्क हमारा था विच वॉज जिसका आर एल था 216.549 मीटर, जिसको कि हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लस माइनस 0.00 लिया हुआ था, इसी के रेफरेंस में हमें ऊपर जाना है और इसी के रेफरेंस में हमें नीचे जाना है। नेक्स्ट, दिस इज ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, से अगेन देखिए इस पर लेवल मार्क किया गया है प्लस 450 mm, मतलब जो मेरा बेंच मार्क था जिसको हमने प्लस माइनस 0.00 इसके रेफरेंस में ही ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो उस बेंच मार्क के रेफरेंस में हमें 450 mm ऊपर जाना है, राइट। आई विल शो यू सम अदर ड्राइंग्स फॉर द सेम बिल्डिंग, अगेन दिस इज़ अ फर्स्ट फ्लोर लेवल प्लान, तो आपका जो है ग्राउंड फ्लोर कितना था प्लस 450 पे, और ये जो तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर लेवल है दैट इज़ अ प्लस 3420। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इसके हाइट आपको पता चलेगा, और जो ये मार्क किया हुआ फ्लोर लेवल होता है इट इज़ ऑलवेज द फिनिश फ्लोर लेवल होता है। ये सेम बिल्डिंग का टेरेस प्लान है, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे भी टेरेस में लेवल मार्क किया गया प्लस, तो ये सारी चीज़ें उसी बेंच मार्क के रेफरेंस से ली जा रही है, तो इससे हमारी बिल्डिंग की हाइट पता चल सकती है कि कितनी हाइट है मेरी बिल्डिंग की। यह प्लान जो है एक एसटीपी का है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसमें भी आपको मैं रेफरेंस के तौर पर दिखाऊँगा कि ये जो सेक्शन कटा हुआ है यहाँ पर बीबी, इसमें लेवल कैसे मार्क की होती है। ये देखिए एसटीपी का जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द टैंक इज रिटन एज अ -7750, बेंच मार्क होगा उसके रेफरेंस में जिसको प्लस माइनस 0.0 है माने हमने, कि रेफरेंस में मुझे 7.75 मीटर नीचे एक्सकेवेशन करके जाना है। देखिए दिस इज़ अ प्लान ऑफ योर यूजी टैंक्स बोलते हैं, अंडरग्राउंड टैंक होता है बेसिकली, तो जिसमें देखिए रॉ वाटर टैंक है, डोमेस्टिक टैंक, रॉ वाटर टैंक, दिस इज़ अ फायर टैंक। अब ये पंप रूम है, इसका लेवल देखिए कितना लिखा हुआ, माइनस में मार्क किया हुआ है, मतलब जो मेरा बेंच मार्क है जिसको हमने लिया था अगेन प्लस माइनस 0.0, तो 0.0 के रेफरेंस में मुझे 4.125 मीटर तक नीचे जाना है। अकॉर्डिंगली आई हैव टू प्लान द एक्सकेवेशन एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, हमने ये चीज़ समझने की कोशिश की डिफरेंट ड्राॅइंग्स को रेफरेंस लेके, कि किस तरह से ये जो हमने बेंच मार्क फिक्स किया उसके रेफरेंस में सारी पॉइंट्स को हमने डिफाइन किया, उसी के रेफरेंस में सारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी फॉलो होती है। अब इसको कंटेम्प्रेरी इशू से हम कोरिलेट करते हैं। अब इशूज़ क्या क्या हैं, कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन सोसाइटी वी अंडरस्टैंड, एक अर्बन फ्लड की इशू होती है, नेक्स्ट वन इज ए करस्पॉन्डिंगली योर हेल्थ इशू। जो अर्बन फ्लड होता है उसके रीजन्स को यदि हम डिस्कस करें तो वन ऑफ द रीज़न इज़ अनप्लान्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटी। इसके सिग्निफिकेंस को हमने ऑलरेडी है जो जोनिंग प्लान में
अंडरस्टैंड करने की डिस्कस किया था. नेक्स्ट, नॉन कंप्लायंस टू द जोनिंग प्लान ऑफ ए सिटी. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2022 में ही रिसेंटली कर्नाटक में ज़्यादा प्रिसिपिटेशन हुआ और उसकी वजह से पूरा का पूरा रोड ब्लॉक्स हो गए बारिश की वजह से, एंड पीपल सफर्ड लॉट. और ये यदि हम बात करें तो कर्नाटक में दोज एरिया वेयर मेनली डेवलप्ड ऑन द वेटलैंड साइट. अब वेटलैंड साइट पे कभी भी इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है, दिस अगेन इट इज़ टेलिंग यू दिस इज़ योर नॉन कंप्लायंस विथ योर जोनिंग प्लान एक्टिविटी. तो एक तो ये इशू क्रिएट हुआ. सीवर एंड अ स्ट्रॉम लाइन फॉर अ सिटी, वाटर फ्लोज विथ ग्रेविटी. जब तक उसमें प्रॉपरली लेवल को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वाटर विल स्टैग्नेंट ओवर देयर, जो कि मोस्ट ऑफ एनली हम देखते हैं कभी भी नदी नाले हैं जो उसमें पानी बहता हुआ बहुत कम दिखता है, स्टैग्नेंट होता है. अब स्टैग्नेंट होने की वजह से क्या होगा, समटाइम्स उसका एन एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है. एन एरोबिक डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर्स इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज़ अगेन क्रिएटिंग प्रॉब्लम. जैसे ही इसमें लेवल मेंटेन नहीं हुआ, दिस इज़ क्रिएटिंग द रिलेटेड हेल्थ इशू इन द सोसाइटी, लाइक डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, एंड दिस इज़ अगेन क्रिएटिंग अ बर्डन टू द स्टेट. आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट इट विद सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी इशू इन द इंडियन सोसाइटी. तो कभी भी शहर में सीवर एंड स्ट्रॉम लाइन बनती है तो उसकी लेवल शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, और यदि ये नहीं मेंटेन होता है दैट इज क्रिएटिंग द हेल्थ हैजर्ड फॉर द सिटी. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल वी हैव टू डिस्कस. आई ट्राइड टू कोरिलेट इट विद द वेरियस डायमेंशंस. जो ये एक सिंपल दिखने वाला टॉपिक है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिलेटेड टू योर बिल्डिंग प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिलेटेड टू योर सोसाइटी. आई सपोज दिस सेशन वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.